सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद हूँ। यहाँ पर 8 डॉक्टरों की पोस्टिंग है, जिसमें से 3 ही मौजूद हैं, 5 पद रिक्त पड़े हुए हैं, महिला डॉक्टर तो है ही नहीं। ऐसी स्थिति में मरीजों को दवा कराने के लिए बहुत दिक्कतें होती हैं। गंभीर बीमारियों के लिए उन्हें बांदा रेफर कर दिया जाता है। ऐसे में मरीजों को के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं। बताइए, यहाँ पर महिला डॉक्टर हैं? जी नहीं है, डिलीवरी वाले हैं। तो किस तरह की दिक्कत होती है आपको डिलीवरी लाने में? यदि किसी को तो बड़े नॉर्मल हो जाता है, और जो दिक्कत आती है तो बांधा हो जाती है। तो कभी आपको ट्रांसफर हुआ है आपके मरीज? हमारे एक बच्चे हुआ है। कैसे, क्यों करना पड़ा ट्रांसफर? वहाँ दीदी भेड़ा बच्चा था और उसका हाथ भी निकल आया था। कितने दिन से यहाँ पर इलाज कराने आती हैं? क्या दिक्कतें हैं, किस तरह के दिक्कत? 15-16 साल के कीड़ा पेट पैदा, तो कुछ खाना नहीं है, जन्म से दूध है मीठा चीज़। बताओ, पासे घूमते दवाई। बताइए, महिला डॉक्टर ना होने के कारण किस तरह की दिक्कतें रही हैं आपके नॉलेज में? महिला डॉक्टर ना होने के से यहाँ महिलाओं को दिक्कत तो होती ही है। कोई अगर जनरल इलाज है तो आती है, तब तो स्टाफ नर्स के द्वारा अगर काम हो जाता है तो इलाज हो जाता है उसको, अन्यथा उसको जिला महिला अस्पताल में दिया जाता है। जी, तो अस्पताल में कितनी पोस्टिंग है और कितना मौजूदा है और कितना रिक्त है? अभी आज की स्थिति में यहाँ पर 3 डॉक्टरों की पोस्टिंग है। यहाँ पर 8 डॉक्टर के पद स्वीकृत हैं, जिसमें से 5 पद खाली हैं, और यहाँ पर 3 डॉक्टर के द्वारा ही सारा कार्य किया जा रहा है। किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं? प्रॉब्लम्स तो मैनेज करते हैं जो भी आती हैं। किस तरह से मैनेज करते हैं? 24 ड्यूटी करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में यही हाल है भाई, महिला डॉक्टर की तो विशेष कमी है स्पेशलिस्ट में। तो अपने बांदा जिले में किस तरह की स्थिति है इन महिला डॉक्टरों की? यहाँ पर भी बहुत कमी है महिला डॉक्टरों में। केवल जिला चिकित्सालय में 2-3 लोग हैं, वेरी फ्री में हमारे यहाँ 1-2 को छोड़ कर कहीं पर लेडी डॉक्टर रहेंगे। कमी को पूरा करने के लिए हमारी हर महीने वैकेंट सीटों के लिए निदेशालय को भेजा जाता है, और इसकी नियुक्ति के लिए शासन स्तर से कार्रवाई चल रही है।